अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ज़िम्मेदारी शोहर की, बीवी की। वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शोहर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि वो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, अपनी बीवी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचाए और इसकी इज्जत करे, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात की तकमील करे, इसकी तवज्जो मोहब्बत दे, इसकी तारीफ़ करे और इसका शुक्रिया अदा करे कि इसके घर के तमाम अफराद का ख्याल रखती है। शौहर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है और कौन सा रिश्ता सबसे अहम है। शौहर को हर रिश्ते में तवाज़ुन रखना आना चाहिए, क्योंकि जब वो रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं रख पाता तो मसाइल जन्म लेते हैं। बीवी की ज़िम्मेदारी, शौहर की और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने के साथ साथ शौहर की ज़ाती, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल करना। बीवी को शादी के बाद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अब बेटी बहन होने के साथ साथ बीवी, बहू, भाभी और माँ भी है और इसकी ज़िम्मेदारी की नौईयत तब्दील हो गई है। मर्द को अल्लाह ने सरबराह बनाया है, इस हकीकत को खुशी और मोहब्बत से कबूल करते हुए, इसकी जायज़ बातों को मानते हुए शौहर को इज़्ज़त और एहतराम दे, एक दूसरे के ऐबों का पर्दा रखे और अल्लाह से इस्लाह की दुआ करे। खुशगवार और शादीशुदा ज़िंदगी इन दो अफराद का मजमू है जो एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाते हैं। शादी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की खामियों, पसंदीदगियों के साथ जीना और अपनी शख्सियत के नोकीले कोनों को तराशने का नाम है।